इतनी कोशिश उन्होंने की बीजेपी में एंट्री के लिए, जो मुझे भी टीम कह रहे हैं, वो खुद बीजेपी में जाने के लिए कितने बेताब थे। चुनाव की बात करें तो पहली तारीख को जो है वोटिंग होनी है, और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के प्रत्याशी मास्टर गौरी शंकर। आई बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें सर, किस तरह की तैयारियां हैं और कुछ ही दिन जो है वो बचे हैं प्रचार के भी, और पहली तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे, और किस तरह की तैयारियां हैं अगर हम पार्टी की बात करें। देखिए, तैयारियां मेरी तो 7-8 महीने से लगातार जारी हैं। कुछ लोगों के लिए तो अभी पॉलिटिक्स में एंट्री है, अभी किसी बिना टारगेट के, बिना विजन के चेयर हासिल करने के लिए फील्ड में आए हैं। हम तो लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एलिगेशंस, इल्ज़ामात जो है डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं, मेरा उनके लिए और जनता के लिए भी यही एक मैसेज है कि ये जो बता रहे हैं उन चीज़ों का अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। मोर ओवर मुझे लगता है कि जनता तो सब जानती है, जनता हर चीज़ को जानती है। जनता के पास आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद घर घर से मिल रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ में कभी ए टीम, कभी बी टीम, कभी सी टीम, इस किस्म का जिक्र करते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग मुझे या मेरी पार्टी को बी टीम का नाम दे करके एक टैग लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि जनता सब जानती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी एफर्ट्स, कितनी कोशिश उन्होंने की बीजेपी में एंट्री के लिए, जो मुझे बी टीम कह रहे हैं वो खुद बीजेपी में जाने के लिए कितने बेताब थे, और जब ना मिला तो अंगूर खट्टे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लिए ये जो लोग हैं ये माना नहीं रखते, जनता जज है, जनता फैसला करती है, जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। इशारा किस ओर है? देखिए, ये तो क्लियर है, जैसा कि कुछ लोग ऐसा है कि कभी जाति का कार्ड खेलते हैं तो जाति के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जब जाति के नाम पे भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि लोग एडवांस लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, चंद लोगों को लेकर के चल के और फिर उसके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जब ये पता चल गया कि नहीं, ये कम्युनिटी कार्ड ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो उसके बाद अब ये शुरू कर दिया कि जो हमारा मुस्लिम वोटर है उनके पास, पार्टिकुलरली मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पास जा कर के ये कहा जाता है कि देखिए जी, वो एक बाल्टी वाली पार्टी है, तो बाल्टी वाली पार्टी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन पार्टी है, और उनका दिल और दिमाग सारी चीज़ें जानता है, लेकिन वहाँ जाके कहते हैं ये बी टीम है। मतलब लोगों को कितना हल्के में लेते हैं और लोगों को कितना हल्का समझते हैं कि अगर मैं कहूँगा कि कोई बी टीम है तो कोई विश्वास कर लेगा, कोई ए टीम है विश्वास कर लेगा, कोई कम्युनिटी बेस पे डिवाइड करूँगा तो लोग डिवाइड हो जाएंगे। पार्टिकुलरली अपने आप को ही सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं जो हूँ बस वही परफेक्ट हूँ, बाकी सब गलत हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं, जनता परफेक्ट है, और जनता जानती है किसी के कहने से कोई बी टीम या सी टीम या ए टीम नहीं बन जाती है। कौन बेताब था पार्टी में जाने के लिए, कौन बीजेपी की गोद में बैठने के लिए हर एफर्ट करने के बाद फेल हो गए, तो फिर अंगूर खट्टे हैं। मुझे जितनी उससे मुझे बुलाया जा रहा था, मुझे लिया जा रहा था, सबको पता है कि पार्टी में मेरे लिए तो किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं था कि एंट्री नहीं थी, मुझे तो हर पार्टी जो थी वो एंट्री देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने खुद उसमें जो है वो जिस दिशा में जाना मुनासिब समझा। तमाम एलिगेशन को किस तरह देखते हैं? अभी लोग कई फ़ोन करते हैं कि हमें जी कॉल आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि देखो जी मस्जिद से ये हो गया, लोगों ने डिसाइड कर लिया है। देखिए, पहले जाति के ही ठेकेदार थे, अब एक खास रिलीजन के भी ठेकेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसका फैसला तो आने वाले वक्त में टाइम ही बताएगा कि कौन किसके साथ है। मेरी खुशकिस्मती है कि हर जाति, हर मज़हब, हर फिरका, हर तबका के लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं, और मैं जिस मिशन पर चला हूँ मैं उसी पर रहूँगा और हमेशा एक विज़न ले कर काम करता हूँ, बाकी ना एक नकली मुखौटा पहनता हूँ अंदर से और बाहर से, और मेरा साफ़ सुथरा है। मेरे सिर्फ इसलिए नहीं है कि
लोगों को गुमराह करके, लोग जानते हैं, लोग सब जानते हैं, आप किसी कोई भी अपोजिशन का भी वोटर होगा गिने चुने लोगों को छोड़ के, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि सच क्या है और सच के साथ लोग खड़े हैं। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जाति या किसी कई बार मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं कि नहीं जी उन्होंने डिसाइड कर दिया, वो देखिए डिसाइड जिन्होंने कर लिया हो वो खुद अनाउंस कर सकते हैं ना, कोई चीज़ बतानी हो। और कैंडिडेट ही अनाउंस कर रहे हैं, नहीं जी उन्होंने डिसाइड कर लिया, फ़ोन पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, नहीं जी उन्होंने डिसाइड कर लिया और लोग उनकी कॉल्स आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रिजल्ट्स आएंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि बनी विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बनी विधानसभा वोटर्स के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जिस तरह से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है एक हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति या रिलीजन को लेकर के, इससे बचें और सच के साथ चलें, जो सच है अपनी इनर वॉइस को देख करके वोट करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग उसी पे चलेंगे और सच का साथ देते हुए एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छी दिशा देंगे जो आने वाले टाइम में मसाल बनेगा। वही एक आरोप ये भी लग रहा है कि वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर जो है कोई भी सवाल नहीं उनसे पूछते, जो सत्ता में पार्टी रही उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। देखिए ये उनसे सवाल तो मैं जब से सियासत में आया उनसे ही तो पूछ रहा हूँ। मैंने सवाल पूछे किससे हैं? मैंने उनसे ही ये सवाल पूछे हैं कि बेरोजगारी क्यों है। मैंने उनसे पूछा डेली वेजर की कंडीशन क्या है, आशा वर्कर की क्या है, बीडीसी एसपीओज की क्या है, हमारे लैंड कंपनसेशन का इशू है इसका क्या है। बाकी हम जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे मैंने पूछे किससे, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ ना जिनको ये करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ उनकी तरह किसी को गालियाँ देना शुरू करूँ? जो एक वो तो जो दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं लोग, पहला नंबर में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इनके लिए जगह नहीं है, ये दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है इनकी। और ये लड़ने वाले या इस तरीके से एक रफ़ लैंग्वेज या एक अपने जो संस्कार नहीं होते हैं ना वो बात नहीं कही जा सकती। गलत बुरा कहने से ये कोई जंग का मैदान नहीं है। मैं किसी को भी, मैं एक अपने हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या करूँ, गाली गलौज करूँ या उन पर गुस्सा करूँ? गुस्सा करने का टाइम होता है असेंबली में, गुस्सा करने का टाइम होता है लोगों के उस मसले जो होते हैं उनके सोल्यूशन के लिए। तो कहीं ऑफिसर के पास, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कहीं असेंबली में जब गुस्से की बारी आएगी तो गुस्सा भी दिखेगा। अभी इनके साथ इनको गालियाँ निकालूँ क्या? अब जनता को पता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी को भी बुरा भला कहूँ। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कुछ कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं जिनकी कोई ऐसी बात नहीं आती है, जैसे कांग्रेस की कैंडिडेट हैं काजल ठाकुर। देखिए नहीं, अगर गलत रफ लैंग्वेज मैंने उनकी सुनी नहीं तो पॉजिटिव बेस से पॉलिटिक्स कर रही हैं तो अच्छा भी लगता है, तो मैं प्रेस करता हूँ जो अच्छा कहेगा अच्छा। कहीं ना कहीं इस भाईचारे और तहजीब को हमने कायम रखना बनी, यही संदेश दे रहा है। मेरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टारगेट यही है कि बनी में भाईचारा बना रहे, लोगों को आपस में, देखिए आज ही बच्चे एक दूसरे पे अगर तलवारें उठा के बैठ जाएं तो कल को सियासत में कोई इलेक्शन जीतने के बाद भी अगर मैं लोगों में पॉइजन पैदा करूं तो कल को एक दूसरे के साथ किस तरह से हम रहेंगे, कैसे सुख लोगों को पहुंचा पाएंगे, तो किस तरह से पीस रहेगा? अगर आज ही एक दूसरे के लिए प्रति इतनी नफरत और गाँव मोहल्ला में हो रही है तो फिर कल का रिजल्ट क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और ये प्रोग्रेस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के प्रत्याशी थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लगातार जो है पार्टी की ओर से कैंपेनिंग चल रही है और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जो है समाज को तकसीम करने की बात कर रहे हैं, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें क्योंकि बनी एक भाईचारे की एग्जाम्पल है और ऐसे में इस भाईचारे को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। घर सड़के आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्रिक्स टाइल्स और फेंसिंग फोर्ट, तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।